रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि आज दुनिया में अगर कोई वर्ल्ड लीडर है तो मोदी हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोगों के हित के लिए खुद की स्वतंत्र विदेश नीतियां बना सकते हैं। पुतिन ने भारत का भविष्य बताया उज्जवल, कहा कि भारत ने विकास के मामले में जबरदस्त सफलता हासिल की है, ग्लोबल मुद्दों पर उसका रोल भी बड़ा है। पुतिन ने मेक इन इंडिया पॉलिसी की तारीफ की, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में काफी कुछ किया गया, वो देशभक्त है। राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ रूस के आर्थिक सहयोग बढ़ने का भी भरोसा जताया, कहा कि हम लोगों ने व्यापार का विस्तार किया है। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से बातचीत की, ऋषि सुनक ने ट्विटर पर मोदी से फोन पर बात करते हुए फोटो किया पोस्ट। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बनने पर ऋषि सुनक को बधाई दी, दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने पर चर्चा की गई। पीएम मोदी आज गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को करेंगे संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। सूरजकुंड में चल रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन, पहले दिन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अपराधों से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी, साझा रणनीति बनाकर अपराध पर अंकुश लगाने की जरूरत। अमित शाह ने दिया भरोसा, 2024 तक सभी राज्यों में एनआईए ब्रांच खोलेंगे। मुंबई के ताज होटल में आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की बैठक होगी, सभी 5 स्थायी और 15 अस्थायी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक का दूसरा सत्र शनिवार को दिल्ली में होगा। यूएनएससी की आतंकवाद विरोधी समिति 2001 में बनी थी, भारत अभी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली मुंबई पहुंचे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्पेशल मीटिंग में होंगे शामिल। चीन ने फिर छिड़ा कश्मीर राग, चीन की प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत से सुलझाएं दोनों देश, मुद्दा एक तरफा कार्रवाई से बचने की नहीं। वायुसेना के लिए देश में ही बनेंगे C-295 एयरक्राफ्ट, रविवार को वडोदरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखेंगे पीएम। आज नहाय खाय के साथ होगी महापर्व छठ की शुरुआत, पहले दिन छठ करने वाले व्रती नदियों और तालाबों में स्नान करके लौकी और चावल खाते हैं। दिल्ली में छठ के मौके पर यमुना के खतरनाक प्रदूषण की तस्वीर आई सामने, कालिंदी कुंज में बने झाग से लोगों को हो रही है परेशानी, लोगों ने सफाई की मांग की। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना घाट पर गंदगी का अंबार भी दिखा, घाट में कूड़े पटे होने की वजह से चारों तरफ बदबू आ रही है। दिल्ली के आईटीओ में भी यमुना घाट पर दिखी गंदगी, छठ को लेकर घाटों को आनन फानन में साफ करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में केमिकल के छिड़काव की तैयारी, झाग खत्म करने के लिए किया जाता है छिड़काव। बीजेपी ने यमुना में केमिकल स्प्रे किए जाने का विरोध किया, मनोज तिवारी ने कहा छठ मनाने वाले श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़। दिल्ली में छठ के इंतजामों को लेकर सियासत तेज हुई, बीजेपी ने नेताओं के छठ के घाटों का मुआयना किया, केजरीवाल सरकार पर बदतमीजी का आरोप भी लगाया। बीजेपी नेताओं ने कहा केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा किया था लेकिन अपना वादा भूल गए केजरीवाल। नीतीश की सरकार की पटना के घाटों पर भीड़ कम करने की कोशिश, छठ के लिए टैंकरों से तालाबों और सोसाइटी में पहुंचाई जाएगी गंगाजल। पटना में खतरनाक घोषित किए गए 16 छठ घाटों की लाल कपड़े से की गई घेराबंदी, दलदल के चलते घेरे गए घाट। छठ पूजा को लेकर बीजेपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका, एनसीपी को मिली आयोजन की मंजूरी। त्योहारी सीजन को देखते हुए अक्टूबर में अब तक कुल 2614 अतिरिक्त ट्रेनें चलाई गई, रेलवे बोर्ड ने दी जानकारी। सेंट्रल रेलवे ने अब तक 256 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है, दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए ट्रेनों को महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेशन से चलाया गया। NHRC ने राजस्थान सरकार को भेजा नोटिस, कई जिलों में लड़कियों को स्टैम्प पेपर पर कथित रूप से बेचने का आरोप। राजस्थान में लड़की बिकने के मामले को बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने गंभीर मामला बताया, कहा कि राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर स्थिति में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की बैठक, सरकारी अस्पतालों में गंदगी और इमारतों की हालत पर जताई चिंता। सीएम गहलोत ने पीडब्ल्यूडी को अस्पताल के मेंटेनेंस की दी जिम्मेदारी, कहा कि जब वो खुद SMS अस्पताल में भर्ती थे तो वहां पर भी गंदगी थी। सीएम अशोक गहलोत का बयान, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर ही कर रही है फोकस, MBBS सीटों में भी की गई बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का अधिकारियों पर फूटा गुस्सा, हमीदिया रोड से शाहजहांबाद जाते वक्त सड़क की हालत देख कर नाराज हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई PWD और नगर निगम के अधिकारियों की इमरजेंसी मीटिंग, 15 दिन में सड़कों के हालात सुधारने का दिया आदेश। यूपी में चंदौली की DM ईशा दुहन ने किया फिरोजपुर में बन रहे राजकीय ITI का औचक निरीक्षण, घटिया मटेरियल देखकर अधिकारियों को फटकार लगाई। DM ईशा दुहन ने ईंटों की खुद की जांच, सभी बिल्डिंग मटेरियल के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजने का दिया निर्देश। फिरोजपुर में करीब 11 करोड़ की लागत से बन रही ITI की इमारत, DM ईशा दुहन ने तय समय सीमा में काम पूरा करने का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का TMC पर बड़ा आरोप, कहा TMC नेता लॉटरी के जरिए कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग। शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर TMC MLA विवेक गुप्ता की पत्नी की लॉटरी निकलने पर उठाया सवाल, लिखा कि डियर लॉटरी और TMC के बीच उलझे हुए संबंध है। मुंबई पुणे हाईवे पर एक ट्रक में लगी भीषण आग, मुंबई पुणे हाईवे को 45 मिनट तक के लिए बंद करना पड़ा। ट्रक का ड्राइवर और खलासी मौका मिलते ही बाहर निकले, फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ट्रक खाक हुआ। मुंबई के लोखंडवाला में बेस्ट बस में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। चंडीगढ़ की एक शराब फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद काबू पाया।
बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, किसी कर्मचारी को नुकसान की खबर नहीं। दुमका के भावंटार के पास गैस टैंकर का एक्सीडेंट, हादसे के बाद टैंकर में भयंकर आग लगी। हादसे के बाद 3 बसों में लगी आग, ड्राइवर के मौत की खबर। गैस टैंकर में आग लगने से कुछ लोगों के झुलसने की भी खबर, नजदीक के घर भी जल के भागा। हरियाणा के सोनीपत में एक महिला ने शादी से इनकार करने पर एक युवक पर एसिड से हमला किया, युवक का गंभीर हालत में चल रहा है इलाज। आरोपी महिला अपनी मां के साथ युवक की बुआ के घर रिश्ते के लिए आई थी, बुआ के इनकार करने के 1 महीने के बाद हमला हुआ, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बस्ती में 2 पुलिस वाले खराब शराब के नशे में दिख रहे थे धुत, वीडियो वायरल होने के बाद हुए सस्पेंड। किन्नरों ने शामली में एक शादीशुदा आदमी का प्राइवेट पार्ट काटा, पीड़ित ने इंसाफ की मांग की। जयपुर में पटाखों और सर्दी ने बढ़ाया पॉल्यूशन लेवल, अस्थमा पोस्ट कोविड मरीजों की बड़ी परेशानी। मोहाले में सीबीआई कोर्ट ने 2 पुलिस वालों को दोषी करार दिया, पूर्व थानेदार शमशेर सिंह और जगतार सिंह को सोमवार को सुनाई जाएगी सजा। 30 साल पुराने फेक एनकाउंटर का मामला, सीबीआई ने जांच के बाद पुलिस वालों को गुनहगार बताया था। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सीमा पर सर्च के दौरान बीएसएफ के जवानों को मिला हथियारों से भरा बैग, 6 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 17 मैगजीन और 200 राउंड गोलियां हुई बरामद। कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी मारा गया। जम्मू में आतंकी साजिश नाकाम, रेलवे स्टेशन के पास 18 डोटेनेटर बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के वाहन के पास ब्लास्ट, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। ज्ञानवापी पर 8 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों की एंट्री पर बैन, पूजा की मांग वाली याचिका पर हो रही है सुनवाई। आजम खान की रद्द हो सकती विधानसभा सदस्यता, हेट स्पीच केस में 3 साल की मिली सजा, फैसले के तुरंत बाद मिली जमानत। सजा सुनाए जाने पर आजम खान ने कहा, मैं इंसाफ का कायल हो गया हूँ, ये मैक्सिमम सजा थी वो जो मुझे दी गई थी। कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे आजम खान, वकील विनोद यादव ने कहा कि अपील करने के लिए 1 हफ्ते का समय मिला। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली की कोर्ट आज करेगी सुनवाई, जैन पर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। राम रहीम की पैरोल पर हरियाणा के सीएम बोले, मामले से हमारा लेना देना नहीं, सरकार कोर्ट के आदेश को मानती। टीआरएस विधायकों के खरीद मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने छोड़ा, एसीबी कोर्ट के आदेश के बाद हुई 3 की रिहाई। टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में बीजेपी पहुंची हाईकोर्ट, कहा कि सीबीआई जांच करें। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूछा, किसने कही 100 करोड़ देने की बात, फर्जी आरोप से बीजेपी डरने वाली नहीं। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को भेजा नोटिस, यादव मुस्लिम वोटर घटाए जाने के आरोप को साबित करने के लिए सबूत मांगे। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक मांगे डिटेल, अखिलेश ने विधानसभा चुनाव में यादव मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे जाने की कही थी बात। बीजेडी ने ओडिशा के धामनगर विधानसभा उपचुनाव में धांधली का लगाया आरोप, मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला डेलीगेशन। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 31 अक्टूबर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली प्रियंका गांधी, नए कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर मुलाकात। खड़गे से मिले सचिन पायलट, कहा हम सभी उनके नेतृत्व में करेंगे काम, देश की राजनीति में उनका अच्छा अनुभव। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सीएम केजरीवाल पर निशाना, जहां चुनाव होते हैं वहां भावनात्मक कार्ड खेलते हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने इंडियन नोटों पर राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा नोटों पर गांधी जी के अलावा किसी की भी फोटो होना नहीं चाहिए। सूरज कुंड के कल्चरल प्रोग्राम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा और यूपी के सीएम भी मौजूद रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी कार्यक्रम में रहे मौजूद, उत्तराखंड के सीएम धामी भी कल्चरल प्रोग्राम में हुए शामिल। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर त्रिपुरा पुलिस ने बाइक रैली का आयोजन किया, हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए जवान। भोपाल में शुरू हुई अग्निवीर की बहाली, 6 नवंबर तक चलेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। भोपाल के एरो के अंतर्गत 44,937 उम्मीदवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन, 5,000 उम्मीदवारों के हर रोज शामिल होने की उम्मीद। एमपी के सतना में पीएम आवास योजना में घोटाले का आरोप, प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा कि इस अभियान से लोगों को जिंदगी बदलने में मदद मिलेगी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे, पत्नी के साथ की आतिशबाजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को सिल्वर ट्रम्पेट और ट्रम्पेट बैनर प्रदान किया, राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की वेबसाइट और लोगो का किया लोकार्पण, फिजी में अगले साल 12वें हिंदी दिवस का होगा आयोजन। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के प्रयास जारी है, इस दिशा में प्रगति हुई। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा खत, अबू धाबी में फंसे पंजाबी श्रमिकों को बचाने की मांग की। राजस्थान में 500 मदरसों में होंगे स्मार्ट क्लासरूम, गहलोत सरकार 2,62,000 रुपए करेगी खर्च। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 4 कृत्रिम झरनों का उद्घाटन किया, इको टूरिज्म हब विकसित करने के लिए पहल। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पोस्टपोन, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने गाजीपुर में लैंडफिल साइट का किया दौरा, कहा इस बार कूड़े के मुद्दे पर होगा एमसीडी चुनाव। केजरीवाल बोले एमसीडी में 15 साल से है बीजेपी, बीजेपी पर दिल्ली को कूड़ा घर बनाने का आरोप लगाया।
कैथल में पराली जलाने से अब तक 421 मामले सामने आ गए हैं। समय पर सूचना नहीं देने के आरोप में 22 नंबरदार सस्पेंड। पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ होगी FIR। पराली जलाने वाले किसानों के आर्म्स लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। झारखंड के लातेहार में भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल की कुमारी अक्षरा खेसारी को देखने के लिए 165 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़े लोग। भाईदूज के मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने साध्वी निरंजन ज्योति का लिया आशीर्वाद। निरंजन ज्योति ने नकवी को आरती उतारी। यूपी के सीतापुर जिला जेल में मनाया गया भाईदूज। जेल में बंद अपने भाइयों से मिली बहनें। जेल के अंदर आने वाली बहनों के लिए किया गया था खाने पीने का इंतजाम। जेल के अंदर और बाहर थी चाक चौबंद सुरक्षा। कानपुर जिला जेल में भी मनाया गया भाईदूज। जेल के अंदर भाइयों से मिली बहनें। मुरादाबाद जिला जेल के बाहर भी महिलाओं ने दिखी लंबी कतार। भाईदूज पर भाइयों से मिलने पहुंची थी बहनें। मैनपुरी जेल के बाहर भी बहनों की दिखी लंबी लाइन। भाईदूज के मौके पर भाइयों से मिलने पर जताई खुशी। उज्जैन में ट्रेडिशनल बफेलो फाइट का आयोजन किया गया। हर साल भाईदूज के मौके पर यहां भैंसों की लड़ाई होती है। केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा का खतरा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 सदस्यीय टीम गठित की। चीन के 152 शहरों में अब भी जारी है लॉकडाउन। चीन की 28 करोड़ की आबादी घरों में कैद। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक से किया इनकार। कहा यूक्रेन में इसकी कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन का दावा, रूस ने हमेशा नेटो से संबंध बनाना चाहा लेकिन पश्चिमी देशों ने हमेशा नकारात्मक भाव दिखाया। राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों से की अपील। कहा दुश्मनी को खत्म करें और साथ रहें। यूक्रेन की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपील। रूसी कब्जे वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट की फिर से जांच हो। डोनेस्क क्षेत्र में शख्तास्रक शहर में एक तेल डिपो में लगी आग। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी का लगाया आरोप। रेलवे स्टेशन के पास मौजूद डिपो के 12 फ्यूल रिजर्वायर्स हुए तबाह। स्टेशन की इमारत और रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के बखमुट में रूसी सेना का हमला जारी। लगातार सैन्य कार्रवाई की वजह से बढ़ रही है लोगों की मुश्किल। डोनेस्क में यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए रूसी सैनिकों की गोलीबारी जारी। आम लोगों का जीना हुआ मुश्किल। 8 नवंबर को मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्री से मिलेंगे विदेश मंत्री जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर होगी बातचीत। इटली के मिलान में एक सुपरमार्केट में चाकूबाजी। एक शख्स की चाकू लगने से मौत, 6 घायल। चाकूबाजी में फुटबॉल टीम अर्सेनल के स्टार खिलाड़ी पाब्लो मारी भी घायल हो गए हैं। शॉपिंग के लिए आए थे पाब्लो। पुलिस ने 46 साल के हमलावर को गिरफ्तार किया। प्रशासन ने आतंकवादी घटना होने से इनकार किया है। ईरान के महाबाद में एक शख्स की गोली लगने से मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। गवर्नर के निवास पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने किया गवर्नर के निवास पर पथराव। गवर्नर के गार्ड्स में लोगों पर दागी गोलियां। दक्षिण कोरिया की सेना ने किया एंटी टेरर एक्सरसाइज का प्रदर्शन। एक इमारत में मौजूद आतंकवादियों को किया ढेर। एंटी टेरर एक्सरसाइज में सेना सहित 7 सरकारी एजेंसियों के 300 लोगों ने हिस्सा लिया। सालाना नेशनल सिक्योरिटी ड्रिल्स के तहत हुआ एक्सरसाइज। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर पर लगा बैन हो सकता है खत्म। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर परमानेंट बैन लगाने की व्यवस्था खत्म करने का किया ऐलान। एलन मस्क ने जारी किया बयान है, लोगों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देने के लिए खरीद रहे हैं ट्विटर। 75% कर्मचारियों को निकालने की बात पर भी इनकार किया। एलन मस्क के बॉस बनते ही ट्विटर से बाहर हुए CEO पराग अग्रवाल। CFO नेड सेगल ने भी छोड़ी कंपनी। RBI ने 3 नवंबर को बुलाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की विशेष बैठक। महंगाई दर पर रिपोर्ट तैयार करने पर चर्चा की जाएगी। TDS स्टेटमेंट देने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक की गई। T20 वर्ल्ड कप में भारत का विजय अभियान जारी। टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 56 रन से हराया। भारत ने दिया 180 रन का टारगेट। नीदरलैंड की टीम 123 रन बना सकी। लगातार 2 मैच जीतने के बाद ग्रुप 2 में टॉप पर है टीम इंडिया। ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड टीम नंबर 1। T20 वर्ल्ड कप से करीब करीब बाहर हुआ पाकिस्तान। भारत के बाद जिम्बाब्वे के आगे भी किया सरेंडर। आखिरी ओवर में 1 रन से मिली हार। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 130 रन। पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 129 रन बना सकी। पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान क्रेग इरविन का बयान। कहा हम इस टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। पाकिस्तान की तरफ से शान मशूद ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन। 38 गेंदों पर खेली है 44 रन की पारी। जिम्बाब्वे की ओर से सिकंदर रजा की शानदार गेंदबाजी। 25 रन देकर झटके 3 विकेट। सिकंदर रजा को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद वसीम ने लिए 4 विकेट। शादाब खान ने 3 खिलाड़ियों को किया आउट। T20 वर्ल्ड कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला आयरलैंड से होगा। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे शुरू होगा मैच। T20 के दूसरे मुकाबले में आज ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत इंग्लैंड से। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मैच। BCCI ने किया है बड़ा ऐलान। भारतीय महिला क्रिकेटर्स की मैच फीस अब पुरुषों के बराबर होगी। महिला क्रिकेटरों को अब हर टेस्ट मैच खेलने के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए मिलेंगे 3 लाख रुपए। सरोगेसी पर आधारित सामंता प्रभु की फिल्म यशोदा का ट्रेलर रिलीज हुआ। 11 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी। यशोदा में दिखेगा समांथा प्रभु का एक्शन अवतार। सरोगेसी से जुड़े पैसे और अपराध को खंगालेगी रास। सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग में करेंगे वापसी। डेंगू की वजह से वीकेंड एपिसोड से ली थी छुट्टी। कार्तिक आर्यन की फिल्म फ्रेडी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस और हॉटस्टार पर होगी रिलीज। तारीख का ऐलान होना बाकी।
फिल्म फोन बूथ के किरदार चाचा चौधरी कॉमिक सीरीज में आएंगे नजर। कैटरीना कैफ, ईशान खट्टर और सिद्धांत कॉमिक के किरदार बनेंगे। ब्रीथ इनटू द शैडोज के नए सीजन का ट्रेलर रिलीज, खतरनाक अंदाज में दिखेंगे अभिषेक बच्चन। अनुपम खेर ने अपने नए चैट शो का किया ऐलान, मंजिलें और भी होगा शो का नाम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधायकों को नए घर की चाबी सौंपी, आरजेडी के सबसे गरीब विधायक कहे जाने वाले रामवृक्ष सदा हुए भावुक। रिपोर्टर बनकर बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने दिखाया दिल्ली के सरकारी स्कूल का हाल, सीएम केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल को बताते हैं सबसे बेहतर। लोगों में प्री वेडिंग वीडियो शूट कराने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है, बाइक से हवा में स्टंट करते हुए एक ऐसा ही वीडियो आया सामने। आइसलैंड में ट्रेन पर पानी की बौछार कर वीडियो आया सामने, इस दौरान ट्रेन में मौजूद लोग पानी से बचने की कोशिश करते दिखे। मिस श्रीलंका न्यूयॉर्क ब्यूटी पेजेंट की पार्टी में हुआ जोरदार हंगामा, पार्टी में मौजूद लोगों के बीच जमकर हुई मारपीट। WHO के महानिदेशक टोरेस ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, मीटिंग के दौरान डांस करते नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।